तो बेसिकली हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरीके से सारे क्वांटम नंबर्स जनरेट हो रहे थे, क्वांटम नंबर्स कैसे करके जनरेट हो रहे थे अलग अलग इक्वेशन से। फाई की इक्वेशन से मिला एमएल, थीटा की इक्वेशन से एल जनरेट हुआ, लेकिन थीटा डिपेंड करता है एल और एमएल दोनों पे। आर की इक्वेशन से एन मिला, एन पैदा हुआ, लेकिन आर डिपेंड करता है एन पे भी और एल पे भी। अब ये क्वांटम नंबर्स हैं क्या, इनका असली मीनिंग क्या है, इनका दुनिया में यूज क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली एन एल एम एल ये तीन तो पढ़ लिए, आगे जाके ये भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं चारों क्वांटम नंबर्स का क्या मीनिंग है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सभी लोग बहुत ही गौर से देखेंगे बेटा, लिसन। अगर मैं बहुत ही क्लासिकल पिक्चर देखूं, बहुत ही क्लासिकल पिक्चर ऑफ एटम, तो एटम को ऐसा समझा जाता था कि बीच में न्यूक्लियस बैठा हुआ है और बाहर उसके ऐसा ऑर्बिट्स है। तो ये क्वांटम नंबर्स अगर किसी ने आपसे पूछा कि ये क्या चीज है, आप कहेंगे इट इज द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेयर द इलेक्ट्रॉन स्टेज। इलेक्ट्रॉन जहां पे रिसाइड करता है, जहां पे रहता है, वहां का एड्रेस है। आप बोलेंगे सर एड्रेस कैसे, अगर मैंने एन इक्वल्स टू वन बोला तो इलेक्ट्रॉन इज इन के शेल, दिस इज के, दिस इज एल, दिस इज एम, उसके बाद में एन, बराबर है। के एल एम एन शेल्स होती हैं, ऐसा आप पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? अरे भैया केमिस्ट्री में, सॉरी साइंस टू में, साइंस टू में 10th में पढ़ चुके हैं, साइंस टू स्टेट बोर्ड वाले, और आईसीएसई सीबीएसई वाले उनको तो 8वीं से ही फिजिक्स फिजिक्स रहता है, तो उन लोग तो बेसिकली पढ़ ही चुके हैं फिजिक्स में। के एल एम एन शेल्स, तो ये एन इक्वल्स टू वन है, ये क्या है एन इक्वल्स टू टू, ये क्या है एन इक्वल्स टू थ्री, अरे हाँ के ना, ये एन इक्वल्स टू फोर, तो एन का ये मतलब है। और मैंने पहले ही बताया था, मैंने पहले ही बताया था एन की वैल्यू वन से शुरू होती है, वन टू थ्री एंड सो ऑन, याद आ रहा है? जीरो नहीं होता, एन इक्वल्स टू जीरो नहीं होता है, स्टार्ट ही वन से हो रहा है, हाँ के ना। अब लिसन, एल क्या है, ये जो ऑर्बिट है ना, इसका एक ही टुकड़ा है, एक ही पार्ट है, एक ही टुकड़ा इसका, उसे कहते हैं एस। एस इसके दो टुकड़े हैं, एक है एस और एक है पी। इसके तीन टुकड़े हैं, एस पी डी। इसके चार टुकड़े हैं, एस पी डी एफ, ऑर्बिटल्स। अच्छा, अगला वाला जो भी रहेगा, जो भी एन इक्वल्स टू फाइव होगा, उसके टुकड़े पांच होंगे, एस पी डी एफ जी। आपने आज तक एस पी डी एफ पढ़ा है, जी नहीं पढ़ा है, बट आगे जी आएगा। अगर छठा ऑर्बिट लूंगा तो एस पी डी एफ जी एच। अब जी के आगे सीक्वेंस में जाएंगे लेटर्स, जी के आगे सीक्वेंस में जाएंगे, तो जी एच, अगला वाले में एस पी डी एफ जी एच आई। बट इतना जाने की जरूरत अक्सर तो नहीं पड़ती, क्योंकि 118 एलिमेंट्स ग्राउंड स्टेट में एसपीडीएफ में खत्म हो जाते हैं, एसपीडीएफ में, इतना आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में दे कैन गो एनीवेयर। तो ये ऑर्बिट के दो सब ऑर्बिट्स हैं, सब ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट के एसपी, ये ऑर्बिट का एक ही सब ऑर्बिट है, सब शेल, इसको मैं शेल कह रहा हूं, शेल शेल, ये सब शेल, लेट्स नॉट कॉल इट एज सब ऑर्बिट और ऑर्बिट, लेट्स कॉल इट एज शेल शेल, ये सब शेल्स हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं। इसीलिए के अंदर जो रहता है इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, 1s करके स्टार्ट करते हो, 1s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर्स हैं। अब बोलेंगे सर अजीमुथल क्वांटम नंबर क्यों, ये देखो एल, एल की वैल्यू जीरो से शुरू होती है, जीरो से,
और कहां तक जाती है याद करो, 0, 1, 2, 3 अप टू एन माइनस वन। अरे लिखा था पिछली बार, अभी जस्ट लिखा था पिछले एपिसोड में, पिछले वाले लेक्चर में ही लिखा था 0, 1, 2, 3, 4 अप टू एन माइनस वन। एक सेकेंड, एन माइनस वन, ये वाला जो शेल है इसका तो एन ही वन है, तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। तो एल की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, इसके अंदर एल की एक ही वैल्यू होगी, उसको हम कहेंगे जीरो, और वो जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे एस से। तो इसके अंदर सिर्फ एल इक्वल्स टू जीरो मौजूद है, इसके अंदर सिर्फ एल इक्वल्स टू जीरो प्रेजेंट है, समझिए। इस शेल में एक ही सबशेल है, एक ही सबशेल है जिसका नाम है एल इक्वल्स टू जीरो, उसका नाम हमने प्यार से एस रखा हुआ है। के शेल में सिर्फ एस क्यों है, क्योंकि ये है पहला शेल, पहला शेल उसमें एक ही सब शेल है एल इक्वल टू जीरो। अब एन इक्वल टू टू पे आ जाओ, एन इक्वल टू टू, तो ये कहां तक जाएगा, जीरो वन, जीरो कॉमा वन। अरे टू माइनस वन वन, सो जीरो से लेके वन तक जाएगा बस। हां के ना, अबे अकल के बुद्धलो, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो l इक्वल्स टू जीरो एक है और l इक्वल्स टू वन एक है, दो सब शेल्स है s, और इसका नाम हमने रखा है p। अब यहां पे प्रेडिक्ट करो क्या क्या आएगा, जीरो वन टू, कैसे 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 जीरो वन टू, अरे अरे n इक्वल्स टू थ्री है, यहां पे डालो थ्री, थ्री माइनस वन टू, अरे आके ना n इक्वल्स टू थ्री है ना, तो थ्री डालो, थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा टू, तो जीरो से शुरू करके कहां तक जाना है टू, अरे ये जो एल है ये कहां से कहां जाता है, जीरो टू एन माइनस वन, तो जीरो वन टू। अच्छा एन इक्वल टू सिक्स रहा, एन इक्वल टू सिक्स रहा, तो एल की कितनी वैल्यूज है, छह वैल्यूज है, लेकिन कौन सी है, छह वैल्यूज है लेकिन कौन सी है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट। अरे एल की टोटल वैल्यूज एन जितनी होती है, एन जितनी, लेकिन शुरू कहां से होती है, जीरो से शुरू होती है और एन माइनस वन तक होती है। तो ये जो था यहां पर एल जीरो था, एल वन था, एल टू था, जीरो वाले का नाम क्या रखा हमने एस, वन वाले का नाम पी, टू वाले का नाम डी, एंड फाइनली एफ वाले का नाम, मतलब एफ जो, मतलब एफ किसका नाम है, एल इक्वल टू थ्री का नाम, एल इक्वल टू थ्री का नाम एफ है। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई, समझे ना, ये हो गए एल की वैल्यू। अब बात करते हैं एमएल की वैल्यू की, एमएल, एमएल कहां से कहां तक जाता है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू कहां जाता है, प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एल तक जाता है। इधर देखो अकल की पुतलो, ध्यान दो, अब जो मैं बता रहा हूं वो क्या चीज है, वो है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल सब शेल का भी छोटा हिस्सा, ऑर्बिटल। अब एल इक्वल टू जीरो है, एमएल कहां से स्टार्ट हुआ, जीरो से, कहां तक जाता है, प्लस माइनस एल, अरे लेकिन एल जीरो ही है, तो प्लस माइनस जीरो मतलब जीरो ही रहेगा, तो जीरो से शुरू होकर जीरो ही जाएगा, अरे मतलब एक ही वैल्यू है जीरो, तो यहां पे एमएल इक्वल्स टू जीरो है खाली, एमएल इक्वल्स टू जीरो, और एक ही है तो अलग नाम रखने की जरूरत ही नहीं, इसलिए इसका हमने नाम क्या रखा, क्या नाम रखा इसका, एस। यहां आ जाओ एल इक्वल्स टू जीरो लेंगे तो एमएल इक्वल्स टू जीरो ही आएगा, लेकिन एल इक्वल्स टू वन लेंगे तो एमएल इक्वल्स टू जीरो कॉमा प्लस वन कॉमा माइनस वन, प्लस माइनस वन है ना, जीरो कॉमा प्लस माइनस वन है ना, अरे एल इक्वल्स टू वन अगर लिया तो अपने को एल इक्वल्स टू वन अगर लेंगे वन, एल इक्वल्स टू वन लेंगे तो प्लस माइनस वन तक जाना पड़ेगा। अरे इसको ऐसा समझो, सुनो सबसे इजी तरीका बताता हूं ऐसा याद रखने का कि माइनस एल से शुरू होकर प्लस एल जाने का, बस बीच में जीरो भी पड़ेगा ना, बीच में जीरो भी पड़ेगा, तो माइनस वन जीरो प्लस वन, अगर यहां टू दिया रहेगा तो माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, अगर थ्री दिया रहेगा
तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? गुड. तो यहां पर ml की वैल्यूज जो है, ml की वैल्यूज माइनस वन जीरो प्लस वन. अरे समझे क्या नहीं समझे? इसका नाम तो s का ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक ही तरीके का है, लेकिन यहां पर तीन ऑर्बिटल्स हैं. इसका तो सब शेल का एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन इसका इस सब शेल का तीन ऑर्बिटल्स है, px, py, pz. याद करो केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में आप लोग जब फिलिंग करते हो तो ऐसा फिलिंग करते हो 1s, फिर बाद में लिखते हो 2s और फिर लिखते हो 2p. 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हो अप एंड डाउन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो अप एंड डाउन. इसमें क्या करते हो, पहले अप 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 भरते हो, उसके बाद में डाउन भरना स्टार्ट करते हो. तो ये है पहला. अरे ये के शेल है, ये एल शेल है. के शेल एल शेल, के अंदर एक सब शेल एस, एल के अंदर दो सब शेल एस और पी. हां के ना, इस एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है एस, एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है एस, लेकिन पी के अंदर तीन ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स पी वाई पी जेड. ऐसे ही डी का भी है ना, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर एंड वट एवर वट एवर, पांच है डी का, पांच आता है. आओ देखते हैं डी में पांच मिलता है कि नहीं मिलता है. ये है एस, एल इक्वल टू जीरो, एल इक्वल टू जीरो. सो इसका एम एल रहेगा सिर्फ जीरो, एस ऑर्बिटल. ये है एल इक्वल टू वन, इसका एम एल तीन रहेगा, जीरो प्लस माइनस वन, अरे मतलब माइनस वन जीरो प्लस वन. तो एस सॉरी सॉरी पी एक्स पी वाई पी जेड. अब डी वाला एल इक्वल टू टू, एल इक्वल टू टू, एम एल कितना हो जाएगा भाई, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू. आया ना पांच, उसी का नाम वो डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड वॉट नॉट. तो बेसिकली ये रहता है. एफ का लेंगे एफ, एफ एफ एल इक्वल टू कितना है, अरे अगर एस है एल इक्वल टू जीरो, पी है एल इक्वल टू वन, डी है एल इक्वल टू टू, तो एफ कितना रहेगा रे बाबा, एल इक्वल टू थ्री. तो अगर तुमने एफ को लिया एल इक्वल टू थ्री, तो एम एल की वैल्यूज कहां से कहां जाएंगी भाई, जीरो कॉमा प्लस माइनस वन कॉमा प्लस माइनस टू कॉमा प्लस माइनस थ्री, अरे मतलब माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, सात वैल्यूज है कि नहीं. इसलिए एफ ऑर्बिटल में सेवन रहता है. हां के ना, गुड. ये बात सभी को पता है राइट. तो बेसिकली ये 1s है 2s है 2p है, फिर आ जाएगा 3s 3p 3d. इसके आगे क्या आएगा, 3s 3p 3d. इसमें एक बनाएंगे, इसमें तीन बनाएंगे, इसमें पांच बनाएंगे. अगला वाला आएगा 4s 4p 4d 4f. लेकिन भरने को ऐसा सीक्वेंस में नहीं भरता है, भरने का प्रिंसिपल डिफरेंट है. भरने के प्रिंसिपल का केमिस्ट्री में नाम पढ़ा रहेगा, ऑफ बॉज प्रिंसिपल. ये भरने की टेक्निक है, ये ऑफ बॉज प्रिंसिपल. ऐसा सीक्वेंस में नहीं भरता है, बट शेल्स के अंदर यही सीक्वेंस है. सो बेसिकली 1s इधर आ गया, 2s और 2p इधर आ गया, और p के अंदर px py pz भी इसके अंदर आ गया. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सभी लोग खोपड़ी में बातें घुसी. तो इसका आप लोग सभी लोग जो व्यूअर्स हैं स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी मेरे स्टूडेंट्स से कॉपी कर लें. अब मैं बेसिकली आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में भरते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा. कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में भरते हैं उसकी जानकारी दूंगा. ये देखो याद रखना, हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी सिर्फ टू है. किसी भी ऑर्बिटल की कैपेसिटी टू है. ये देखो, एक ऑर्बिटल दिख रहा है, ये ऑर्बिटल है, इसमें दो ही लोग है ना, ये अलग ऑर्बिटल है, दो ही है ना. हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है,
दो, हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी दो है। तो अब ध्यान दो, मुझे ये बताओ के वाले में एन इक्वल टू वन में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? एन इक्वल टू वन में दो ही समा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एन इक्वल टू वन में एक ही ऑर्बिटल है, और अगर एक ही ऑर्बिटल है एम एल इक्वल टू जीरो वाला, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे एक अप एक डाउन। एन इक्वल टू टू में कितने आएंगे? एन इक्वल टू टू में कितने आएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एट आएंगे। अरे एस में दो और पी में छह। अरे अकल के पुतलो इधर ध्यान दो, एन इक्वल टू टू में चार ऑर्बिटल्स हैं, एस पी एक्स पी वाई पी जेड, दो 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 आठ। अरे हाँ क्या ना, एम वाले में कितने आएंगे? 18, 18 आएंगे। गुड मिस आयशा, वेरी नाइस। लिसन, ध्यान दो, एन इक्वल टू थ्री में आओ, कितने ऑर्बिटल काउंट करो। एक ये वाला हो गया, एल इक्वल टू जीरो वाला, एक एक एक, अरे एस, दो तीन चार, देखा एक दो तीन चार। अरे एम एल इक्वल टू जीरो, एम एल इक्वल टू प्लस माइनस वन, एल इक्वल टू वन के लिए, एल इक्वल टू के लिए भी तो है ना, कितना है? एक दो तीन चार पांच, पांच ये तीन ये एक ये, पांच तीन आठ और एक नौ, नौ का डबल, हर ऑर्बिटल में दो आ सकता है ना, तो अठारह। अरे ऑर्बिटल ही नौ है तो इलेक्ट्रॉन तो अठारह आएंगे ना। अरे इसलिए तो बचपन में लिखते थे टू एट एटीन, याद आ रहा है? ऐसे कॉन्फिगरेशन लिखते थे टू एट एटीन काइंड ऑफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? एन इक्वल टू फोर में, सॉरी एन इक्वल टू फोर किधर गया? ये एंथ जो ऑर्बिट है के एल एम एन, इसमें जो एन इक्वल टू फोर है इसमें कितना आएगा? हाँ पहले 19 तो ये हो गए, सॉरी 19 नहीं, 9 तो ये हो गए, सॉरी 9, एक तीन चार और पांच नौ, और आगे कितना आएगा? सात। एफ में सात आता है ना, अरे डी में पांच है, एफ में कितना? सात है, तो नौ और सात सोलह, सोलह ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है, सोलह ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स उसका डबल 32, तो 2 8 18 32। और इसके लिए बचपन में आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, 2n स्क्वायर। अब डालो यहां पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज 2n स्क्वायर। अरे n में डालो 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, तो पहले शेल में 2, एन इक्वल टू टू डालो, 2 स्क्वायर 4 4 2 8, तो दूसरे शेल में 8। एन इक्वल टू 3 डालो तो 3 का स्क्वायर 9 9 2 18। एन इक्वल टू 4 डालो तो 4 का स्क्वायर 16 16 2 32। दैट्स इट, समझ में आ गया आप सभी के? अरे हाँ के ना भाई, बहुत हो गई केमिस्ट्री, समझ में आया केमिस्ट्री के बारे में जो हमने पढ़ाया? ऑफ बो प्रिंसिपल तो पढ़ाने की जरूरत नहीं ना, अपने हो गया काम। अरे अपन केमिस्ट्री वाले नहीं, अपन फिजिक्स वाले। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो वी विल स्टॉप हियर, ठीक है।